नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। ओलंपिक्स बस अब शुरू ही होने वाले हैं। ओलंपिक्स की तमाम गतिविधियां और हाइलाइट्स आप सोनी टीवी पर देख सकते हैं। हमारे साथ एक बैडमिंटन प्लेयर मौजूद हैं, खास मेहमान तृप्ति हैं। तृप्ति से पूछेंगे क्या संभावनाएं हैं इस बार भारत की ओलंपिक्स में। उम्मीद की जा रही है कि इस बार एक गोल्ड जरूर मिलेगा। तृप्ति, क्या कहना है आपका? जी मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर गोल्ड आता है हमें इस बार। बट उसी साथ ही में हमारे परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए इस बार। सभी लोग, सभी प्लेयर्स बहुत वेल प्रिपेयर्ड है और थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को हुई है, कीपिंग इन माइंड द पैंडेमिक सिचुएशन एंड वेयर नो टूर्नामेंट्स, नो इवेंट्स वर हैपनिंग। बट फिर भी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में सभी लोग जा रहे हैं। टू एन एक्सटेंट आई फील समटाइम्स कि थोड़ा बहुत टाइम उनको भी मिल गया है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली आप क्वालिफिकेशन एंड तक खेलते रहते हो बहुत सारे टूर्नामेंट्स और फिर आपको मिलता है एक या दो महीने का गैप और आप ओलंपिक्स खेलने जाते हो। तो इस बार थोड़ा ज्यादा गैप मिल गया है और थोड़ा सा जो भी, बिकॉज इतने सारे टूर्नामेंट्स खेल के जो इंजुरीज वगैरह कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो उनको वो संभालने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल गया। तो इसीलिए टू एन एक्सटेंट आई वुड से कि अच्छा भी टाइम रहा फॉर प्रिपरेशन। बट यस, जैसे ही ओलंपिक शुरू हो जाता है हमें देखना पड़ेगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। गोपी चंद से बात कर रहे थे, राष्ट्रीय जो कोच है उनका कहना था कि समय तो मिला है प्लेयर्स को, लेकिन बाकी प्लेयर्स इन दिनों में क्या कर रहे थे उनकी तैयारियों का जायजा हम नहीं ले पाए, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा इस बार, चैलेंजिंग हो। जी हाँ, वो एक इशू होगा। जैसे कि चाइनीज प्लेयर्स है जिन्होंने पैंडेमिक टाइम में कोई भी टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एटलीस्ट हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ टूर्नामेंट्स में उन्होंने तो पार्टिसिपेट कर पाए। ये वो डायरेक्टली ओलंपिक्स में ही एंटर करेंगे, तो उनकी क्या तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसके बारे में। ऑन दी अदर साइड उन लोगों ने हमें देखा हुआ है कि पैंडेमिक में हम कैसे खेले हुए हैं। सो वो हिसाब से वो तैयारी करके आएंगे। बट ये तो इट इज अ विजुअल तैयारी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो एक्चुअल जो होती है, जो कोर्ट पे हम जब खेलते हैं, जब उतरते हैं, तो वो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहता है। तो मुझे तो लगता है कि ये ओलंपिक्स नॉट ओनली बैडमिंटन, आई थिंक फॉर सभी स्पोर्ट्स के लिए जैसे शुरू होगा उसी टाइम से हमें पता चलेगा कि कौन कैसे फॉर्म में है और कैसा परफॉर्म कर सकता है। आप खुद एक प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, आपने पीवी सिंधु को नजदीक से देखा होगा। पिछले अगर ओलंपिक्स की बात करें और इस ओलंपिक की बात करें, दोनों में क्या फर्क पाती हैं आप पीवी सिंधु के परफॉर्मेंस में, उनकी जो समझ है, उनके स्पोर्ट्स में क्या आप बदलाव पाते हैं? मेरे ख्याल से जो 2016 का ओलंपिक्स रहा सिंधु के लिए, तभी हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अच्छा परफॉर्म करेगी। उतने तक हमारे एक्सपेक्टेशन था और मेडल जीतेगी वो हमारे लिए भी मतलब सरप्राइज और अच्छी बात रही। तो उसके बाद में सिंधु के गेम में, सिंधु में हम लोग जो मैच्योरिटी बोलते हैं, जो गेम की मैच्योरिटी, वो आ गई है अभी। वो शी हैज बिकम लाइक अ बिग प्लेयर, यू नो, प्लेइंग और गोइंग इन एनी टूर्नामेंट। सो वो जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो जो मैच्योरिटी रहती है, वो उसमें आ गई है। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जब उसने जीती, बहुत सारे मेजर इवेंट्स जीते हैं फॉर द रन अप टू द टोक्यो ओलंपिक्स। सो वो एक चेंज आया हुआ है। एंड इस बार ओलंपिक्स ऑलमोस्ट 5 साल बाद हो गए, नॉर्मली इट इज 4 साल बाद होते हैं। सो फिजिकली भी बहुत इम्पैक्ट होता है, यू नो, यू आर ग्रोइंग अ लिटिल ओल्डर, यू आर नॉट बिकमिंग यंगर। तो वो चीजों को ध्यान रख के आपको तैयारी करनी पड़ती है, इंजुरीज को संभाल के तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से इस बार जब जाएगी तो आई थिंक शी शुड गो विथ अ वेरी फ्री माइंड खेलने जाएगी, कि ज्यादा ऑफ कोर्स प्रेशर तो सबका है, पूरे सभी को, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हर विनिंग द गोल्ड। तो लेकिन वहां मुझे लगता है कि जितना वो खुल के वहां जाएगी, खेलेगी, शी विल परफॉर्म द बेस्ट।
नोइंग सिंधु और द वे शी इज सात्विक और चिराग का खेल आपने देखा है, कितना पोटेंशियल है दोनों में, क्या उम्मीद की जा सकती है? दोनों दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, यंग खिलाड़ी हैं और बहुत ही यंग एज में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है, काफी कुछ एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खेला हुआ है, तो उनमें भी वो मैच्योरिटी अगेन आई विल से कि वो आ गई है और टॉप प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं, तो उनको भी पता है कि कैसा है, रहता है एट दैट लेवल. सो इस ओलंपिक्स में उनका ड्रॉ थोड़ा टफ है. इसमें जो बाकी के तीन पेयर्स उनके साथ हैं, उन्होंने कभी उनको हराया नहीं है. अगर हेड टू हेड का देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, बट एज एन अंडरडॉग इन द ग्रुप आई थिंक अगेन द सेम थिंग आई वुड से कि खुल के खेलेंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी एंड द परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली मच मच बेटर. उन्होंने और तैयारी साई तो की है वो हिसाब ओके से. अभी एज अगेन आई विल से कि जैसे वहां एंटर होते खेलना शुरू करते हैं देन दैट कॉन्फिडेंस विल कम. और साई प्रणीत के बारे में क्या कहेंगे आप? साई प्रणीत को तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल प्लेयर रह चुके हैं. उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था और जो मेडल आया वो बहुत सालों के बाद में मेंस सिंगल्स में हमको मिला था. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगेन द पैंडेमिक केम, प्रिपरेशंस में थोड़ा एक एक रिदम रहता है प्लेयर का. जब आप अच्छा खेल रहे हो, दो तीन टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहे हो एंड वो रिदम उनका टोक्यो ओलंपिक के पास में ही आ रहा था, अगर 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स रहता तो. तभी थोड़ा चीजें थोड़ी डिफरेंट एंगल से देखी जा सकती थी, लेकिन अभी इट इज अगेन अ डिफरेंट सिनारियो फॉर 2021. उनके ग्रुप मैचेस तो मैं देख रही हूँ कि वो पार कर सकते हैं, उसके बाद उनको हर एक मैच को अच्छे से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा. गोपीचंद राष्ट्रीय कोच है वो नहीं जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि चाहते थे कि जो खिलाड़ी के पर्सनल कोच है वो जाए, तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी? गोपीचंद के पर्सनालिटी की हम बात करें या उनके कहते हैं त्याग की बात करें तो अभी द सिचुएशन ऐसा है कि ये जो प्लेयर्स हैं दे आर ट्रेनिंग विथ इंडिविजुअल कोचेज एट द मोमेंट इन द नेशनल सेंटर, बट जैसे कि साई प्रणीत ट्रेन कर रहे हैं अगुस जो इंडोनेशियन कोच है उनके साथ में, सिंधु ट्रेन कर रही है पाई तायसंग के साथ में, और हमारे मेंस डबल्स जो है वो मटायस बो के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं. नॉर्मली जो जिसके साथ में आप ट्रेनिंग करते हो आपका रैपो रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है आपकी कहाँ पे क्या लेवल पे हो रही है, सब अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से रहती है. तो वो देख के यस डेफिनेटली गोपी विल बी मिस्ड एट दी ओलंपिक्स बिकॉज ही इज बीन देयर फॉर द लास्ट टू ओलंपिक्स, और उनका रहना वहां पे एक डिफरेंट लेवल ही हो जाता है. बट इस बार और एक बात ये है कि देर आर सम चेंजेस मेड इन दी एरिना, कि जहां पे दो कोच बैठ सकते थे अर्लियर की कोर्ट के पीछे, इस बार उन्होंने बस एक कोच को ही अलाउ किया है. तो नहीं तो आई थिंक अगेन द रिस्ट्रिक्शंस जो आपको पता है कि किस वजह से गोपी भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पे बैठने के लिए भी दिक्कत आ सकती थी. सो आई थिंक ही हैज जस्ट गिवन अ गो अहेड टू दी अदर कोचेज हु दे हैव बीन ट्रेनिंग विथ, ही इज बीन फोरसीइंग द होल थिंग. तो या वी हैव टू सी हाउ इट गोस. तृप्ति कुलकर्णी जी, क्या आपको लगता है कि पीवी सिंधु प्रधानमंत्री के साथ इस बार आइसक्रीम खाएंगी वापस आकर? मैं तो जरूर चाहूंगी कि खाए वो आइसक्रीम, बिकॉज आइसक्रीम खाना मतलब मेडल लेके आना है, तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, हम सब खाएंगे साथ में. बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति कुलकर्णी जी आप निखिली से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय बैडमिंटन टीम गई है 4 सदस्यों की टीम, और कम से कम एक गोल्ड मेडल जरूर भारत के पाले में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।